मुरादरा मिडास स्क्वायर में चौथी मंजिल पर चढ़कर दो दुकानों से 48,000 की चोरी कर चोर हुआ फरार। दुकान की पिछली खिड़की तोड़कर आया चोर सीसीटीवी में कैद हुआ। गुड़ादरा पुलिस स्टेशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के जलगांव जिले के 40 गांव तालुका के पिंपरी गांव के मूल निवासी नीलेश भाई अशोक भाई पाटिल अब अपने परिवार के साथ पर्वत गांव में सिलिकॉन फ्लैट के पास ठाकुर द्वार सोसाइटी में रहते हैं। वो वस्त्रों का व्यापार करते हैं और गुड़ादरा पर्वत पाटिया रोड पर मिडास स्क्वायर में तीसरी मंजिल पर उनकी साड़ी कुर्ती और ड्रेस की सामग्री की दुकान है। शुक्रवार की शाम को उन्होंने दुकान बंद कर दी। शनिवार को वहां काम करने वाली एक युवती उनके पास आई तो पता चला कि दुकान में चोरी हुई है। तस्कर अपनी दुकान की पिछली खिड़की से दुकान में घुसा और तस्कर पीछे से पाइप के सहारे खिड़की से दुकान में घुसा। वह दुकान से साड़ियां और कुर्तियां समेत कुल 5,000 रुपये की चोरी कर फरार हो गया था। तस्कर ने चोरी करने के लिए मिडास स्क्वायर की चौथी मंजिल पर एक दुकान में भी सेंध लगाई थी। वहीं से पावर बैंक की चोरी हो गई थी। तस्कर ने कुल 48,000 रुपये की चोरी की। तस्कर सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते हुए साफ साफ नजर आ रहा है। नीलेश भाई पाटिल ने एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ गुड़ादरा थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है।